अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूँ आपको न्यू व्लॉग में। और आज सोल फीस फेस्टिवल का दूसरा दिन है, आज हफ्ते का दिन है। अभी मैं जा रहा हूँ सोल फीस फेस्टिवल। फर्स्ट डे तो बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है, आज बहुत ज़बरदस्त होगा। यंग स्टनर भी आ रहे हैं, और जो लोग आज नहीं आ पाएंगे वो संडे को आएँ। संडे को फरहान सईद, आसिम अज़हर, बहुत बड़ी लाइनअप है इंशाल्लाह। अभी मैं वहाँ पहुँच कर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ एंट्री करके सारा पूरा फेस्टिवल। पहले था कराची ईट, अब है सोल फेस्टिवल। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच कर आपको सारी डिटेल भी बताता हूँ। और आज यंग स्टनर्स भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको पूरा एनवायरनमेंट दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे लोकेशन पर पहुँच कर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जी गाइस, एंट्री हो गई है सोल फेस्टिवल में। और आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं एनवायरनमेंट इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं 2024 सोल फीस्ट आपको अब मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गए, और अब कंपैरिजन तो मुझे नहीं करना। ये है सेवन अप वालों का बार, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट, अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा है। पब्लिक बहुत कम है। आज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा रश होगी, बहुत ज़्यादा बंदे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। और स्टॉल भी नॉर्मल से हैं। सामने कौन सा स्टार्ट है ये देखें, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है पिक्चर्स के लिए। ये सब हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है। लेकिन रश बिल्कुल भी नहीं है, रश होनी चाहिए मगर बिल्कुल भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हफ्ते का दिन है, रश नहीं है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। अब मैं आपको डायरेक्ट आगे जाके कॉन्सर्ट वाला एरिया दिखाता हूँ, फिर बाद में यहाँ का। दोनों तरफ स्टॉल है, उसी तर्ज का ही है जैसे कराची फीस्ट होता है। बहुत खुला खुला बना हुआ है, और रश भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया है, इतना अच्छा रिस्पांस आना चाहिए था। ये देख, ये देखें हैवल का शोरूम भी बना हुआ है, हैवल की गाड़ियों का। ये देख सकते हैं आप, ये बाद में दिखाएंगे, अभी थोड़ा कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं जाकर। ये देखें गाइस, सामने यंग स्टनर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। परफॉर्म कर रहे हैं, you and I alone.
स्टेज के पास हो और कॉन्सर्ट खत्म हो गया। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। अब आपको बिल्कुल सामने से कि किस तरह का माहौल है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। ये देखें स्टेज के पास, इन लोगों ने खर्चा ज़्यादा किया है और सिंगर्स भी अच्छे हैं। सिक्योरिटी भी कराची की नहीं है, बाहर की, लाहौर की है। और आप देख सकते हैं सामने जैस कैश ऑन करो, आपको मैं दिखाता हूँ इन्वायरमेंट, आगे स्टॉल भी दिखाता हूँ। आते हुए तो मैंने कुछ खास नहीं दिखाया था आपको, इस वक्त दिखाता हूँ। कबाब जीज फ्राइड चिकन का स्टॉल है और आगे सैमसंग का है, आप देख सकते हैं। ये मीडिया रूम है। स्टेज बहुत ज़बरदस्त बनाया गाइस, देखें फुल स्क्रीन चल रही है सामने। बहुत ज़बरदस्त स्टेज है, बहुत ज़बरदस्त है। आगे ये सैमसंग है, ये एरिया भी जिसमें ये रेड लाइट्स आ रही हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है सिटिंग के लिए। कॉन्सर्ट वगैरह अभी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन एंड में करूँगा, चलें एंड में कंपैरिजन करूँगा। ये देखें ये सिटिंग एरिया है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ टपाल एरिया, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हो रही हैं। वो रो पूरा राइट लेफ्ट पे पूरा कैंटीन है, कैंटीन का भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ लोग बैठे हुए चल कर रहे हैं। ये सामने ये पेप्सी का है, सेवन अप का। ये देखें रैम्बो, घर के खाने भी हैं, फिज एंड बॉब ड्रिंक, जॉली, जॉली भी है। जॉली अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करना। यहाँ देखें ये स्विंग है, झूला है, मिर्ची है, मिर्ची के ऊपर वो बने हुए। पिक्चर लेनी है वहाँ पर। ये देखें 360 कैमरा भी स्टार्ट होगा। ये देखें मूवीज जो बनती हैं, पूरा 360 कैमरे में। उम्मीद करता हूँ आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। सोल फीस्ट का दूसरा दिन था, हफ्ते का दिन, और अगर इसको कराची ईट से कंपेयर करें तो बिल्कुल भी इसमें उस जैसी बात नहीं थी। हालांकि सिंगर्स की लाइनअप के मामले में सोल फीस्ट जीत गया, लेकिन कराची ईट में इन्वायरमेंट जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। रोड बड़े थे, हर जगह क्राउडेड था, पूरा पार्क क्राउडेड था, चलने की भी जगह नहीं थी, रश बहुत था। जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए उनके स्टॉल का भी काम बहुत अच्छा था।
इधर कम क्राउड था, लोगों ने एंजॉय भी किया, मज़ा तो आया, लेकिन कराची जैसा क्राउड नहीं था। तो हो सकता है कल, उम्मीद करता हूँ कल बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा, क्योंकि कल फरहान सईद, आसिम अज़हर बहुत ज़बरदस्त लाइनअप है इंशाल्लाह कॉन्सर्ट का, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। आने का ऑर्डर किया है और फिलहाल मैं व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि बैटरी लो है मोबाइल।